ग्वालियर के शताब्दीपुरम इलाके में रहने वाले कारोबारी अपने नाबालिग बेटे के खिलाफ महाराजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराते नजर आए। कारोबारी के लड़के ने अपने ही घर में लाखों रुपए की सेंध लगा दी। कारोबारी का बेटा अपने घर से करीब 5 लाख रुपए नकद और 10 लाख रुपए के जेवरात लेकर गायब था। कारोबारी रविन्द्र भदौरिया का यह नाबालिग बेटा पहले भी घर का सामान लेकर गायब हो चुका है, तब उसे बमुश्किल पकड़ा गया था। अब उसने एक बार फिर से वैसी ही हरकत की है।